अस्सलाम वालेकुम। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन, ये हमने स्टार्ट किया हुआ है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। अल्काइन के तैयारी के तरीकाकार, ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज जो हमने तरीका का डिस्कस करना है, कौन से मेथड से मजीद अल्काइन को तैयार किया जा सकता है। डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड, आज टॉपिक हमने डिस्कस करना है, ये है डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड। ये हमारे पास टॉपिक है। अच्छा, डी हेलोजिनेशन, डी मीन क्या होता है? रिमूवल। यहां वर्ड देख लेते हैं कि डी का मतलब होता है रिमूवल। जहां भी वर्ड आ जाए हमें पता चल जाता है कि हमने किसी ना किसी चीज को निकालना है। किस चीज को निकालना है? हेलोजन को। हेलोजन कहते हैं एक्स। एक्स में कौन कौन सी चीजें आ सकती है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। टेट्रामीन 4, ट्राइमीन 3 होता है, टेट्रामीन 4 होगा। हेलाइड यानी जिसके अंदर हेलोजन 4 हो, उसमें चारों के चारों हेलोजन आपने रिमूव कर देने हैं। रिमूव करने के बाद आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास अल्काइन होगा। अच्छा, यहाँ पे कंडीशन सबसे पहले देखते हैं डी हेलोजिनेशन क्या है। रिमूवल ऑफ हेलोजन क्या होता है? रिमूवल निकालना है ऑफ हेलोजन। हेलोजन को निकालना है, इस प्रकार क्या कहते हैं? इज कॉल्ड रिमूवल ऑफ हेलोजन इज कॉल्ड डी हेलोजिनेशन। इसको हम डी हेलोजिनेशन का नाम देते हैं। अब अगर आप डी हेलोजिनेशन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए कंडीशंस क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ आपको एक एक्टिव मेटल चाहिए। क्या चाहिए? फॉर डी हेलोजिनेशन, अगर डी हेलोजिनेशन करवाना चाहते हैं, डी हेलोजिनेशन करवाने के लिए वी रिक्वायर्ड एन एक्टिव मेटल। एक एक्टिव मेटल की जरूरत पड़ेगी, जैसा कि हमारे पास है, सच एज जिंक, मैग्नीशियम, ईटीसी। ये हमारे पास एक्टिव मेटल्स की एग्जाम्पल है। इनमें से कोई एक मेटल लेनी है आपने, वो डी टेट्राहेलाइड को इसमें से गुजार देना है, तो हमारे पास कौन सी चीज बन जाएगी? अल्काइन। ट्रिपल बॉन्ड वाली चीज बनानी है। अब देखते हैं जी रिएक्शन, हम देखने हैं इनके रिएक्शंस देखेंगे। बिल्कुल सिंपल से रिएक्शन है। आपने टेट्राहेलाइड वाला कंपाउंड ले लिया। मैंने टेट्राहेलाइड वाला एक कंपाउंड ले लिया। क्या आपने सिर्फ उसे यहां से ये गौर करना है कि इसमें चार हेलोजन लगे हुए हैं। एक बी आर ये लगा दिया। क्या चार हेलोजन लगे हुए हैं? कर ले, काउंट कर ले, 1 2 3 4, चार हेलोजन लगे हुए हैं। इसके साथ आपने रिएक्शन करवा देना जिंक का। जिंक हमारे पास मेटल है। जैसे ये रिएक्शन करती है, एक जिंक ने बॉन्ड बनाना होता है 2 Br के साथ। एक मैं कहता हूं सपोज के इसके साथ बॉन्ड बना लिया, 1 Br इसके साथ। और बॉन्ड क्या है यहाँ पे? मैं चले पहले बनाते हैं बॉन्ड, और यहाँ पे दरमियान कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा? डबल बॉन्ड। हमने डी हेलोजिनेशन कर दी है, लेकिन अभी भी हमारे पास कौन सी चीज नहीं बनी? अल्काइन नहीं बना। यहाँ पे Zn Br2। क्या करें? दोबारा फिर इसी चीज को ले लें। ये वाली चीज हमारे पास क्या है? आप एक स्टेप में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर दो स्टेप में कर देंगे तो ये ज्यादा बेटर है। एक स्टेप में चारों बी आर उतार दे, दो जिंक के साथ रिएक्शन करवा दे। और आपने दोबारा फिर इसका रिएक्शन करवा देना जिंक के साथ। इसके साथ करवा देना जिंक के साथ। अब जैसे ही जिंक के साथ रिएक्शन करवाएंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? ये 2 Br भी जिंक के साथ मिलेंगे, Zn Br2 बना देंगे, जिंक ब्रोमाइड। और इसके अलावा हमारे पास जो चीज बननी है वो ये वाली होगी। कौन सी? बाकी ये दोनों के दोनों Br उतर गए हैं। यहाँ पे बॉन्ड कौन सा बन जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। चलिए जी, ये हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो गया। ये हम अल्काइन बनाना चाहते थे, ये अल्काइन है। या फिर अगर इसका प्रॉपर नेम लिखे तो ये एसिटाइलीन, एसिटाइलीन
ले जी, हमारे पास तरीका कार है किस तरह आप तैयार कर सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल एक और बनाना चाहता हूँ ना, चेक कीजिए, एक और एग्जांपल बनाने लगा हूं। अगर आप यहाँ पे एक और एग्जांपल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे सी एच थ्री लगाएं, यहाँ पे सी एच थ्री लगाते जाएं, यहाँ पे सी एच थ्री आ जाएगा, यहाँ पे भी सी एच थ्री आ जाएगा, और फिर ये प्रो एसेटाइलीन ही होगी। फिर हम इसका नाम चेंज कर देंगे, नाम चेंज करके तीन कार्बन वाले को प्रोपाइन कहते हैं, प्रोपाइन। नेक्स्ट एग्जांपल बन गई, कितना डिफिकल्ट है। अगर और एग्जांपल बनाना चाहते हैं तो इस एच को भी आप क्या करते जाएं जी, सी एच थ्री में चेंज करते जाएं, एक और एग्जांपल बन जाएगी। सिर्फ यही काम करना होता है, ये हमारे पास एग्जांपल है, ये हमारे पास कंडीशन है डीहैलोजिनेशन की।